यूपी सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी बात कही है। बावजूद इसके मुजफ्फरनगर के बकरा मार्केट में एक ऐसा अस्पताल संचालित हो रहा है जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही सरकार द्वारा स्वीकृति। यह अस्पताल बिना बोर्ड और पंजीकरण के चल रहा है। यह अस्पताल डॉक्टर काला के नाम से जाना जाता है। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार से पूछा गया तो उन्होंने वही रटा रटाया बयान मीडिया को बताया कि संबंधित मामले का संज्ञान लिया गया है और टीम गठित कर जांच की जाएगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि विभाग की ये जांच और कार्रवाई धरातल पर कब पूरी होती है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मुजफ्फरनगर के इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए इस मामले पर एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर ऐसा भी है जिसके पास न तो कोई डिग्री है और ना ही कोई प्रमाण पत्र है, लेकिन फिर भी करता है वह मरीजों का इलाज। हम बात कर रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के चुंगी नंबर 2 की, जहां एक काला नाम का डॉक्टर जिसके पास न तो कोई पंजीकरण संख्या है ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है, फिर भी वह मरीजों का इलाज कर रहा है, जिस पर CMO साहब ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही है। ये तो देखो ऐसा है कि समाज में बुराइयां हमेशा रहीं, बुराइयां पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाती हैं, लेकिन सरकार का भी वही कार्यक्रम सफल होता है, वही योजना सफल होती है जिसमें जनता साथ देती है। तो जनता भी इतनी जागरूक हो कि वो इन झोला छाप के पास जाए नहीं, वो देखे कि उनका पंजीकरण वहाँ प्रमाण पत्र लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उनकी क्लिनिक में, अगर नहीं लगा हुआ तो उन्हें दिखाए नहीं। और कुछ मशहूर डॉक्टर हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जो क्षेत्र में होते हैं उनका ज़्यादातर जनता को पता रहता है, लेकिन अब वो किस कारण से जनता के लोग इन झोला छाप के पास जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी जनता के बीच के लोग हैं, उन्हें जानती है जनता, ऐसी बात नहीं है। तो हम लेकिन कार्रवाई करते हैं अगर हमें शिकायत मिलती है। वही दूसरा मामला भी आपको मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बता रहे हैं, जहां सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। आज जिसको लेकर जनपद के जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया तो वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि ट्रेनिंग ले रहे डॉक्टरों ने पर्चा लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग पर हो या फिर परफेक्ट डॉक्टर, बाहर से दवाइयां लिखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसको लेकर सरकार की गाइडलाइंस भी बार बार आती रहती हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके मरीजों के लिए बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। देखिए इस मामले पर खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की BJP सरकार द्वारा पहले ही गाइडलाइन जारी की गई है, जितने भी जो सरकारी अस्पताल है जो जिसमें गरीब व्यक्ति इलाज के लिए अस्पतालों में जाते हैं, जहां सभी दवाइयां पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर का एक मामला प्रकाश में आया जहां मुजफ्फरनगर के डॉक्टर जो है बाहर से दवाइयां मरीजों को लिए लिख रहे हैं, जिसका संज्ञान जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया। हालांकि CMO साहब ने जो वर्जन दिया है, जो कहना है कि एक अंडर ट्रेनिंग पर जो डॉक्टर आए थे उनके द्वारा यह लिखा गया। हाँ, ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया तो इसमें मैंने CMO साहब से बात की और जिस मरीज का नंबर मिला विकास, उससे मैंने खुद फोन पर बात की तो विकास ने बताया कि वो गया था कमरा नंबर 7 में दिखाने के लिए जिला अस्पताल में, और उसे कुछ दाद वगैरह की परेशानी थी, एलर्जी की, उसको वहाँ जो बैठे हुए थे उन्होंने डॉक्टर ने दवाई लिख दी बाहर। तो इस संबंध में फिर मैंने CMO साहब से बात की, CMO साहब ने बताया कि कमर नंबर 7 में कोई हमारा मतलब जो पुराना डॉक्टर है PMS का, वो नहीं बैठे हुए, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स आते हैं मेडिकल कॉलेज से, ट्रेनिंग लगती है उनकी 2-3 महीने की, उनमें से किसी ने लिख दी होगी तो हम पता करेंगे। तो अब उसका वो पता करेंगे, मैंने CMO साहब की नॉलेज में प्रकरण डाल दिया है, लेकिन जहाँ तक कोई पुराना हमारा जो सरकारी डॉक्टर है वो उनके लिए तो स्पष्ट निर्देश है, उन्हें भी पता है कि ये दवाई बाजार से नहीं मिलती। सर, जैसे जनपद मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल से मतलब बाहर से दवाई लेना होता है तो सभी दवाइयाँ मुजफ्फरनगर में यहाँ जिला अस्पताल में उपलब्ध है या नहीं? हाँ, सभी दवाइयाँ देखो ऐसा है कि एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है,
वो उसमें से जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कीमती दवाइयाँ कैंसर वैंसर संबंधित, वो तो कैंसर के कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो उससे संबंधित 8-10 दवाइयाँ नहीं होंगी, वरना सभी दवाइयाँ उपलब्ध। सर अभी डॉक्टरों का अभियान चलाया हुआ है सर, अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर में सर ऐसे कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो पिछले सप्ताह में नोटिस वगैरह दिया गया? देखिए ऐसा है कि ये कोई अभी नहीं चलाया गया विशेष अभियान, ये साल भर इस तरीके की अभियान चलते रहते हैं, और जिनकी हमें शिकायत मिलती है झोला छाप की, उसके विरुद्ध हमने अपने जितने हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी शिकायत मिलती है उनकी, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। एमओ साहब कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है? ये अभी पिछले दिनों में तो करीब मेरे ख्याल से 3-4 तो खतौली ब्लॉक में की है, 5-6 पे चरथावल ब्लॉक में की है, और बुढ़ाना में भी की है, तो वो चलती रहती है, अब इतनी मुझे याद नहीं इस समय तो। एमओ साहब नियमित रूप से आप जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण करते हैं, उनमें विशेष तौर से किस प्रकार की समस्याएं आपके सम्मुख आती हैं? ज़्यादातर समस्याएं तो इस तरीके की आती हैं कि मरीज इलाज कराने आते हैं, मरीजों की भीड़ ज़्यादा है अस्पताल में, जिला अस्पताल की शिकायतें आती हैं कि उनका जो है अल्ट्रासाउंड का टाइम बहुत लंबी डेट मिल रही है, सीटी स्कैन में लंबी डेट मिल रही है, या उनको टाइम हो गया दिखाने में। तो इसमें असल में क्या है कि रोज़ाना जिला अस्पताल में कम से कम 2,500 मरीजों के पर्चे बनते हैं, अब उनमें भारी भीड़ रहती है, डॉक्टर्स की लिखते हैं डॉक्टर्स, अब मशीनें एक एक हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डायलिसिस है, सीटी स्कैन है, ये सब प्राइवेट मोड पर चल रही हैं, तो उनकी भी एक क्षमता है, सुबह शाम तक करते हैं, नहीं हो पाता है तो इसलिए डेट भी देनी पड़ती है, तो इसी तरीके की थोड़ी ज्यादा। सीएमओ साहब उपलब्धियों के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में मुजफ्फरनगर प्रथम आया है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग होती है पूरे प्रदेश की, तो उसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी हमारे चल रहे हैं भारत सरकार के और कार्यक्रम हैं, तो उसमें उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं, करीब 15 इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें हर जनपद की मॉनिटरिंग होती है कि उसमें किसका कितना वो है, पोर्टल पर एंट्री कितनी है, फील्ड में काम कितना हो रहा है, और ये इस तरीके की चीज़ है कि इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया जा सकता।